हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द लू ग्राफिक्स। मैं हूं सदानंद और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्री फाइव अल्टरनेटिव सॉफ्टवेयर्स के बारे में, जिसको कि आप एडोबी के प्रोडक्ट से अल्टरनेटिवली यूज़ कर सकते हो। ये फ्री है, कम्प्लीटली फ्री है, तो आप इसे एज अ अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हो अपने डिज़ाइन प्रोसेस में। और अगर आप बिगनर हो, फ्री टूल्स के साथ स्टार्ट करना चाहते हो, तो ये टूल्स आपके लिए बेस्ट रहेंगे जिसके साथ आप स्टार्ट कर सकते हो। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो पहला इस लिस्ट में हमारे पास आता है गिप। काफ़ी अच्छा है। अगर मैं कंपैरेटिवली बात करूँ फोटोशॉप के साथ, तो इसमें आपको वो सारी टूल्स एंड फंक्शनैलिटी मिल जाती है जो आप फोटोशॉप में देखते हो, जैसे कि इमेज मैनिपुलेशन, ऑब्जेक्ट रिमूवल, कलर करेक्शन, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अवेलेबल है। इसमें बस आपको क्या चीज़ डिफरेंट मिलेगी, थोड़ी सी फंक्शनैलिटी एंड टूल्स आपको थोड़े से डिफरेंट मिलेंगे, बट ये कोई बड़ा इशू नहीं है। यहाँ पे आपको यूट्यूब पे या फिर ब्लॉग वेबसाइट पे ढेरों ट्यूटोरियल्स एंड गाइडलाइन मिल जाएगी कि इन टूल्स को कैसे एक्सेस करना है, इनको कैसे यूज़ करना है, और इवन इनकी साइट पे भी आपको ढेरों गाइडलाइन एंड वीडियोस मिल जाएंगे, ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, जिसको कि आप इजीली फॉलो कर सकते हो और स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हो। खासतौर पे आप जब स्टार्ट कर रहे हो तो महंगा सॉफ्टवेयर आप परचेस नहीं कर सकते, मंथली फीस नहीं दे सकते। ये एक बेस्ट अल्टरनेटिव है फोटोशॉप के लिए। नेक्स्ट हमारा सॉफ्टवेयर आ जाता है इंकस्केप, जो कि एक वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है और काफ़ी अच्छा अल्टरनेटिव है इलस्ट्रेटर के लिए। इसमें आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं जो इलस्ट्रेटर में आप बनाते हैं, जैसे कि लोगो, बैनर्स, पोस्टर्स एक्सेट्रा। जो चीज़ें आप इलस्ट्रेटर पे कर सकते हो वो यहाँ पे भी पॉसिबल है, और उसका इंटरफेस काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड है। और अगर आपको इनके वीडियोस देखने हैं, यानी कि इसे सीखना है, तो इसकी ट्यूटोरियल्स भी इजीली अवेलेबल है यूट्यूब पे भी और इनकी खुद की वेबसाइट पे भी। और इन सब चीज़ों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ पे भी जाके एक्सेस कर सकते हो। थर्ड नंबर पे आ जाता है हमारे पास कैनवा। कैनवा एक्चुअली एक स्मॉल बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप एक स्मॉल बिजनेस ओनर हो या फिर एक यूट्यूबर हो, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा टूल साबित हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर आप पोस्टर्स बना सकते हो, बैनर्स बना सकते हो, अपने यूट्यूब वीडियोज़ के लिए थंबनेल्स बना सकते हो, और वो भी फ्री। इसको यूज़ करना काफ़ी इजी है, सारी चीज़ें ड्रैग एंड ड्रॉप पे वर्क करती है। अगर आपको थोड़ा सा भी डिज़ाइन का नॉलेज है या फिर आपको पता है, आपको सेंस है, तो आपको बस एलिमेंट उठाना है, अपने डिज़ाइन में ऐड करना है और आपका डिज़ाइन रेडी। तो काफ़ी अच्छा एक ऑनलाइन अल्टरनेटिव है, जहाँ पे आपको मिनिमम चीज़ों के साथ डील करना पड़ता है, कुछ भी स्टार्टिंग से नहीं बनाना पड़ता, सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होती है, बस आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है। जैसे कि मैंने बताया, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, तो इसके बहुत सारे लिमिटेशंस भी है, जो आपको कोई भी वेक्टर बेस या फिर इमेज एडिटिंग टूल में मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको वो फंक्शनैलिटीज़ थोड़ी सी मिसिंग मिलेगी। बट हाँ, इसको ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं अगर आपको बस कुछ लिमिटेड चीज़ों के साथ डिज़ाइन करना है। फोर्थ नंबर पे आ जाता है हमारे पास क्रेता। काफ़ी अच्छा डिजिटल आर्ट सॉफ्टवेयर है। इसमें आप डिजिटल पेंटिंग, डिजिटल आर्ट्स क्रिएट कर सकते हो। अगर आपका इंटरेस्ट है पेंटिंग में या डिजिटल आर्ट में और सीखने के लिए आपको कुछ चाहिए, तो ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इसमें आपके पास जो टूल्स एंड फंक्शनैलिटीज मिल जाएगी वो काफ़ी सिमिलर है फोटोशॉप के साथ भी, और इसमें जितने भी पेड वर्जन में ऑप्शंस होते हैं, यहाँ पर आपको फ्री में अवेलेबल है। फोटोशॉप में भी हम इस तरह की डिजिटल आर्ट्स क्रिएट करते हैं, और भी कई सारे पेड सॉफ्टवेयर्स हैं जिनमें हम इस तरह की फंक्शनैलिटी यूज़ करते हैं डिजिटल पेंटिंग्स क्रिएट करने के लिए या आर्ट वर्क क्रिएट करने के लिए, बट यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती है बिल्कुल भी फ्री। तो मेक श्योर आप इसे ज़रूर कंसिडर करिए अगर आपका इंटरेस्ट है डिजिटल आर्ट में। फिफ्थ ऑप्शन है हमारे पास ग्रेविटी डिज़ाइनर। ये काफ़ी अच्छा अल्टरनेटिव है इलस्ट्रेटर का। यहाँ पर आप वेक्टर बेस्ड वर्क, आर्ट वर्क क्रिएट कर सकते हो, कैरेक्टर बना सकते हो, पोस्टर्स, बैनर्स, लोगोस सब डिज़ाइन कर सकते हो, और इसके इंटरफेस को समझना काफ़ी ईजी है। इसकी ट्यूटोरियल्स भी इजीली अवेलेबल है, इनके खुद की वेबसाइट पे भी बहुत सारे गाइडलाइन एंड वीडियो आपको मिल जाएंगे, यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोगों ने इसकी ट्यूटोरियल्स बना के रखे हैं, और इंटरफेस तो बहुत ही स्मूथ और इजी है, आपको सारी चीज़ें इजीली समझ में आ जाएगी। कुछ दिनों की प्रैक्टिस की बात है, फिर सारी चीज़ें आपके लिए ईजी टू यूज़ होगी। इन सारे सॉफ्टवेयर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं अपने चैनल पे ब्रांडिंग एंड लोगो डिज़ाइन से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स डालता रहता हूँ, और भी कई सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं बनाता रहता हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगता है, तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा मुझे। मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।